अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सलमान भट्टी, होप यू आर डूइंग ग्रेट। या आज मैं बात करने वाला हूँ यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने के लिए, वो लोग जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं कि वो कैसे यूके में स्पॉन्सरशिप जॉब ले के भैया आ सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा आ जाता है तो उसको ज़रा इग्नोर करें। और खैर, इसी के साथ ये है कि भाई मौसम बड़ा प्यारा है, और मैंने पहले भी अपनी रील्स के अंदर बताया कि ये यार ब्रिक्सटन का एरिया जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अक्सर वीकेंड्स पे यहाँ पे आता हूँ और काफ़ी रश भी होता है यहाँ पे। तो खैर, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो भाई यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट रूट्स हैं यूके में आने के लिए, जैसे कि स्टडी वीज़ा हो गया या इंडिपेंडेंट वीज़ा हो गया, फिर उसके बाद आता है कि भाई आप वर्क परमिट पे कैसे आते हैं, जो कि 5 ईयर वर्क परमिट रूट होता है, जिसमें आप लोग यहाँ पर आके 5 साल वर्क परमिट पर काम करने के बाद IR के जो एलिजिबल हो जाते हैं। तो भाई सीन ये है कि आजकल जैसे कि न्यूज़ चैनल्स पे भी आ रहा है पाकिस्तान में, तकरीबन हर न्यूज़ चैनल बता रहा है कि भाई यूके ने वर्क परमिट देना शुरू कर दिया है। तो खैर, इस बात में सीन ये है कि ये चीज़ें पहले भी थी, और यूके जो गवर्नमेंट थी, यूके VI ऑलरेडी ये जो वर्क परमिट थे ऑलरेडी लोगों को दे रहे थे। तो सीन सिर्फ इतना हुआ है कि भाई अभी उन्होंने ना जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक प्रोफेशनल जॉब्स जो थी, तो उनमें पहले कम थे जो उनसे शॉर्ट लिस्टेड प्रोफेशन थे कि जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती थी, अभी उनको बढ़ा दिया। जैसे कि आप प्लम्बर वगैरह और भी काफ़ी ज़्यादा आप बूचर शॉप पे काम करना चाहते हो, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो खैर, उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो उसमें अप्लाई करने के लिए सीन ही है कि भैया आपको ना UKVI की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे एम्प्लॉयर्स को देखना है। एम्प्लॉयर्स वो वाले भाई आपने देखने हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होता है, मतलब रिकग्नाइज हैं वो लोग, और आपको स्पॉन्सरशिप वीज़ा दे सकते हैं। तो सीन कुछ ये ऐसे ही है कि भैया आप लोगों ने वहाँ पे या गूगल पे किसी भी जाके तो आपने सर्च करना है कि भाई हाउ टू फाइंड स्पॉन्सरशिप जॉब इन UK, और या फिर आपने कोई प्रोफेशन लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कोई प्लम्बर है तो हाउ टू गेट प्लम्बर जॉब इन UK ऑन स्पॉन्सरशिप वीज़ा। तो भैया आपने स्पॉन्सरशिप वीज़ा की वो ज़रूर, स्पॉन्सरशिप जो है ना मस्त चीज़ है, अगर आपके पास वो नहीं होगी तो वो आप वो ना हासिल नहीं कर सकते। उसमें सीन क्या होगा कि भैया आप लोगों को जब स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, आपने अप्लाई कर दिया कि भैया ये आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन ना, वहाँ पर ढूंढ के कोई बंदा आगे से एम्प्लॉयर आपको रिप्लाई करता है, और जैसे ही वो रिप्लाई करेगा तो आपको वो एक स्पॉन्सरशिप लेटर देगा। तो स्पॉन्सरशिप लेटर की बेस पे आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। सबसे मेजर चीज़ क्या है कि भैया आपके पास UK से किसी बंदे से स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए कि जिस वीज़े पे भी आप आ रहे हो वर्क परमिट में, किसी भी आप जो ऑक्यूपेशन में आ रहे हो, बेशक ग्राउंड वर्कर में आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो सीन बस इतना है कि भैया आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना कि स्पॉन्सरशिप ज़रूर ढूंढनी है। तो यहाँ पे आप गूगल में या UKVI की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे एम्प्लॉय जो कि UKVI से अप्रूव्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अप्रूव होती है, जितने बिजनेस होते हैं तो कोई नॉर्मल बिजनेस होता नहीं इस तरह। तो वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे जाके अपनी CV डालें, एक अच्छी सी प्रोफेशनल CV बनाएँ, और जो कि मैं वैसे CV टेम्पलेट यूज़ करता हूँ वो यूरोपास का है, तो आप उस पर बना सकते हो, वो बहुत अच्छे है जो वहाँ पर एक तो ईजी ऑनलाइन आप बना सकते हो और अपनी हर जो इंफॉर्मेशन को इजीली दे सकते हो वहाँ पे। तो भाई जान यही कुछ था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि भाई UK ने, तो काफ़ी लोग पूछते भी रहे हैं कि यार क्या सीन है, UK ने वीज़े देने शुरू कर दिए हैं तो हमें भी ले दो। भाई कोई बंदा, मैं अगर UK में हूँ तो मैं किसी को वीज़ा नहीं लेके दे सकता, देना कि उस बंदे ने जिसके पास स्पॉन्सर वीज़ा अवेलेबल हैं। तो बस इतनी सी बात है। और दूसरी बात ये कि भैया आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे दे के ना UK में स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो लेते हो, तो वो भी जो है ना फ्रॉड भी हो सकता है, जैसे कि केयर होम्स के वीज़े रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लिए, तो उसमें आप लोग उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ। इवन मैं एक बंदे को जानता जो स्टूडेंट वीज़े पर आया था, तो उसने यहाँ पर आके वो वीज़ा लिया, तो वो उसके साथ भी सीनियर आके उन्होंने केयर होम का या होम केयर के जो वीज़े हैं वो उसने लगवा लिया, तो स्टडी से वो उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। पर सीन ये है कि उनके पास काम ही नहीं है, अब ना कंपनी नज़र आ रही है उस बंदे को, तो क्या है कि वो बस जलील हो रहा है। तो खैर, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस बंदे से भी आपको जो है इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, और वो बंदा अपना जो एक्सपीरियंस है जितना भी उसने
स्ट्रगल की है तो वो सारी शेयर करेगा कि भाई क्या सीन हुआ है उसके साथ। तो वो स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे आए हैं तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस यार अपना जो है ना फ्यूचर तबाह नहीं करें, एटलीस्ट 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम में अगर आप आए हो और आप ऑलरेडी मैक्सिमम फीस दे के आए हो तो कम अज़ कम आप अपना इतना टाइम दे दो, अपनी डिग्री लो और प्रोफेशनल जॉब को देखने की कोशिश करो और इन शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो। तो आज की वीडियो में यही कुछ था, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।